राजस्थान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के कुचामन पहुंचे। यहां नाबा से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि राजस्थान की भूमि सदियों से सम्मान और गौरव की भूमि रही है। इसी प्रदेश ने मुगलों की आंधी के सामने डटकर मुकाबला किया। 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने वीर भूमि को तबाह करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। सबसे भ्रष्ट सरकार राजस्थान की सरकार रही। एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे झंडे का कलर लाल है और लाल कलर देखकर ही गहलोत साहब भड़क जाते हैं। कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को लाल डायरी ही नजर आती है। अमित शाह ने कहा कि गहलोत सरकार ने पेपर लीक करवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आरपीएससी का पेपर हर बार लीक हुआ। हर साल यहां 3 पेपर लीक होते हैं। 4 साल में 14 से अधिक पेपर लीक हुए हैं और लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कांग्रेस सरकार ने बनाया, पेपर लीक करने का रिकॉर्ड। हर साल 3 पेपर लीक हुए। प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन का हर पेपर लीक होता है। 4 साल में 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए। लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती का पेपर लीक, एसआई भर्ती का पेपर लीक, चिकित्सा अधिकारियों का पेपर लीक, सीएचओ का पेपर लीक, लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर लीक, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक, बिजली विभाग के तकनीकी हेल्पर का पेपर लीक और द्वितीय श्रेणी के शिक्षक की भर्ती का पेपर भी लीक किया। और गहलोत साहब कुछ नहीं बोलते। गहलोत जी, एक पेपर के लिए एक युवा 2.5-3 साल कठोर मेहनत करता है। कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी आपको, शर्म आनी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए, आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय